समाज की हर सक्षम व्यक्ति अगर निराधार लोगों का हाथ पकड़े तो समाज से गरीबी और लाचारी लुप्त हो जाएगी। श्री महेश भाई सवाने। ઈશ્વર દરેક ઘરે તો જઈ શકતો નથી, એટલે એને થોડા આ પૃથ્વી ઉપર થોડા ફરિશ્તાઓ મોકલ્યા છે। એમણે પીતાંબર ભલે નથી પહેર્યું, વાંસળી ભલે નથી વગાડતા, પણ છે તો ઈશ્વરના પ્રતિનિધિ। સવાણી પરિવાર તરફથી સમાજના અનાથ બાળકો, વિધવા બહેનો, એમની શૈક્ષણિક ચિંતા, આરોગ્યની ચિંતા અને સમાજ જીવનમાં પગભર અને સમાન ભેર જીવે એ પ્રકારનો એમનો જે પ્રયાસ છે એનો હું આવકારું છું, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। ભગવાન શાયદ બનના હમારે લિયે મુશ્કિલ હો, પર અગર મહેશ ભાઈ જૈસા ઇન્સાન હો ના તો ભગવાન કો ભી લગેગા કી કાશ મેં ભી ઇન્સાન બન જાતા ઔર ઇતની સારી બેટિયોં કે પિતા બનને કા સૌભાગ્ય અર્જિત કરતા। પપ્પા જ્યારે ખાલી માથે હાથ મૂકીને દીકા એમ શબ્દ બોલે છે ને કે હવે આ શબ્દ ના આધારે પણ અમે આખી લાઈફ કાઢી નાખીશું। મહેશભાઈ એ શબ્દ તમારા માટે છે, પણ મારા માટે તમારા પપ્પા છે। વર્લ્ડના બેસ્ટ પાપા નો વર્લ્ડની બધી વસ્તુ એનામાં સમાઈ ગયેલી છે। મેરે પપ્પા ભી મેરી શાદી મેં ઇતના ખર્ચા નહીં કરતે ઇતના મહેશ પપ્પા ને કરા। અને આવી ગાતા તો કો ગાતા હોય અને ઓલિયો પીર હોય એ આમ ગાતા કરાવે। આ કોઈ મહેશ ભાઈ નથી, આ તો ઓલિયો પીર છે। पिता विहीन बेटियों के जीवन में फैला उजाला, उनके परिवार के माथे पर रखा प्रेम भरा हाथ, बेवा बहनों के परिवार को मिला आरोग्य का सुरक्षा चक्र, देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण, एचआईवी ग्रस्त बेटियों को मिला सपनों का घर। आइए देखते हैं श्री महेश भाई के सेवा किए कार्यों की यात्रा। प्रेम लक्ष्मी मंदिर, जीवन की संध्या पर पहुंचे हुए बुजुर्गों के लिए प्रेम युक्त स्पर्श और सौहार्द पूर्ण भाव जगत के अनन्य माहौल की ज्ञान परब यानी प्रेम लक्ष्मी मंदिर, दादा श्री प्रेम जी भाई और दादी श्रीमती लक्ष्मी बेन के नाम से कार्यरत दादा दादी के लिए भारत की सर्वप्रथम स्कूल, जहां दादा दादी को लाने और ले जाने की व्यवस्था, दिन के समय धार्मिक और मार्मिक पुस्तकों का आदान प्रदान, योग एवं खेल कूद द्वारा उन्हें प्रवृत्ति में रखते हुए परिवार के बच्चों को अमूल्य शिक्षण दे सके, ऐसे विचारों का सिंचन करने का प्रयत्न किया जाता है। देहदान। दिनांक 13 नवंबर 2010 के रोज श्री वल्लभ भाई सवाणी की प्रेरणा से समाज के 20,000 से भी अधिक लोगों को मृत्यु के बाद भी समाज सेवा हो सकती है, ऐसे भगीरथ कार्य के लिए प्रेरित करता और देहदान का मर्म समझाते हुए कार्यक्रम का पालीताना तालुका के राणप्रडा गांव में आयोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप एक साथ एक ही परिवार के 251 सदस्यों ने देहदान का संकल्प लेकर एक विरल घटना को साकार किया। सवाणी परिवार के इस सौम्य कार्य और संकल्प शक्ति को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। वयोत्सव। लागणी नो स्पर्श। दिनांक 25 मार्च 2011 के रोज बापूजी श्री वल्लभ भाई के 63वें जन्मदिन पर श्री महेश भाई, श्री रमेश भाई और श्री राजेश भाई ने वयोत्सव लागणी नो स्पर्श अंतर्गत पिता की छत्र छाया खोने वाले 6,400 बच्चों की 10वीं कक्षा तक और बेटियों के ग्रेजुएशन तक के अभ्यास के लिए उन्हें दत्तक लेकर उनके अभ्यास की फीस की जिम्मेदारी उठाई। बापूजी ने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया, लेकिन जिन बच्चों का जन्मदिन 25वीं मार्च को आता था ऐसे बच्चों के साथ बापूजी ने जन्मदिन मनाया। लाखों लोग इस कार्य के साक्षी बने। वयोत्सव एक संदेश था समाज के लिए कि अगर परिवार के अवसरों को समाज लक्ष्य या शिक्षण लक्ष्य बनाएंगे तो समाज में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा और शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। सन 2011 से शुरू किए हुए पिता विहीन बेटे और बेटियों की स्कूल फीस के चेक का वितरण आज भी स्कूल के आचार्य को अर्पण करते हुए उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाया जा रहा है। जननी वात्सल्य नो स्पर्श। परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखने वाली
उनमें संस्कार एवं संस्कृति का सिंचन करने वाली बा श्रीमती अंजवाड़ी बेन के जन्मदिन दिनांक 10 अप्रैल 2012 के रोज जननी वात्सल्य स्पर्श द्वारा तंदुरुस्त समाज की अपेक्षा रखने वाले श्री महेश भाई ने 6200 बेवा बहनों को दत्तक लेते हुए उनके आरोग्य की जिम्मेदारी उठाई। सामान्य बीमारी से लेकर बाईपास सर्जरी तक मुफ्त में चिकित्सा मिले, ऐसे आरोग्य सुरक्षा चक्र रूपी प्रमाण पत्र एनायत किए गए। जिन्हें पता ही नहीं कि उनका जन्मदिन कब है, ऐसी अनाथ आश्रम की बेटियों के साथ दीदी माँ पूज्य रितंभराजी और हजारों लोगों की उपस्थिति में बा का जन्मदिन मनाया गया। 2012 से बेवा बहनों और उनके संतानों के माथे पर बने रहे जननी वात्सल्य स्पर्श आज भी उनके आरोग्य का सुरक्षा चक्र बने रहते हुए उन्हें तंदुरुस्त रखता है और दिन ब दिन इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है। वडील वंदना। जीवन के संध्या काल पर पहुंचे हुए बुजुर्गों को आदर पूर्वक आमंत्रित करके उनका सम्मान करने का ख्याल सवाणी परिवार को आया। 2008 में अब्रामा स्थित पीपी सवाणी चैतन्य विद्या संकुल के परिसर में एक साथ 5000 से भी ज्यादा 62 साल के ऊपर की आयु वाले दादा दादियों को आमंत्रित करके हजारों लोगों की उपस्थिति में जननी धाम। HIV समाज के लिए कलंक है, पर उन मासूम बच्चियों का क्या दोष जिन्हें यह रोग विरासत में मिला। माता पिता की छत्र छाया खोने वाली 1 से 14 साल की HIV पॉजिटिव 58 बेटियों को पूज्य अंजवाड़ी बेन की ममता की छांव देने वाला, माता समान प्रेम देने वाला 35 कमरों वाला उम्मीद का घर यानी जननी धाम। समाज द्वारा परित्यक्त ऐसी बेटियों के लिए श्री महेश भाई प्रेरणा मूर्ति साबित हुए हैं, जबकि सवाणी परिवार के यह बेटे भी इन बहनों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठाते हुए भाई बहन के प्रेम की प्रतीक रूप राखी बंधवा कर गौरव अनुभव करते हैं। यह विश्व के प्रथम ऐसे भाई हैं जिनकी 858 से भी ज्यादा बहनें हैं, वो भी ऐसी बहनें जिन्होंने पिता का सहारा खोया है। कन्यादान। जिन्हें ईश्वर ने बेटियां नहीं दी ऐसे पिता श्री महेश भाई ने पिता की छाया खोने वाली 1001 बेटियों को दत्तक लेकर कन्यादान करने का भगीरथ संकल्प किया और उस दिन से शुरुआत हुई एक के बाद एक कन्यादान के सुनहरे अवसरों की। पिता विहीन बेटियों को पिता की कमी महसूस न हो इसलिए श्री महेश भाई द्वारा मंडप मुहूर्त, मेहंदी रस्म, संगीत संध्या और दांडिया रास जैसे पारिवारिक प्रसंगों को 3 दिन तक मनाया जाता है। हिंदू बेटियों के विवाह और मुस्लिम बेटियों के निकाह में उनकी रस्मों के मुताबिक श्री महेश भाई द्वारा कन्यादान और उपहार दिए जाते हैं। समाज में शादी को लेकर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने का संदेश देने हेतु कुछ बेटियां तो सिर्फ फूलहार से ही शादी के बंधन में जुड़ती है। जिनके भाई नहीं है ऐसी बहनों को सवाणी परिवार के बेटे जवतल की आहुति देकर कन्यादान करते हैं। पूज्य दीदी माँ साध्वी रुतंभराजी सह अनेक संतों की उपस्थिति में वर कन्या को 4 फेरों संग सामाजिक बंधन युक्त करके 5वें फेरे में वर के माता पिता को घुमाते हुए ये शपथ दिलाए जाते हैं कि हम बहू को बेटी का पद देंगे। नव दंपति की कोख से पैदा होने वाला संतान बेटा हो या बेटी, दोनों में कोई भी फर्क नहीं रखेंगे। सामाजिक क्लेश और झगड़ों से मुक्ति और स्त्री भ्रूण हत्या रोकने का सवाणी परिवार द्वारा
यह एक क्रांतिकारी प्रयास। आमंत्रित मेहमानों, साधु संतों एवं लाखों लोगों की उपस्थिति में जब बेटी की आरती उतारी जाती है तब पुष्प वर्षा से सारा वातावरण पवित्र और सुगंधित लगता है। जन्मों जन्म के रिश्तों से बंधी बेटियों की विदा के वक्त श्री महेश भाई की आंखों में प्यार के आंसू और बेटियों की आंखों में पिता से भी बढ़कर श्री महेश भाई के मिलने की संवेदना का सैलाब बहता। विवाह पांच फेरों का दिनांक 15 फरवरी 2013 के रोज सूरत के अब्रामा गांव में पिता विहीन 22 बेटियों के कन्यादान के साथ पांच फेरों के विवाह का आयोजन हुआ। रिश्ते जन्मों जन्म के दिनांक 8 दिसंबर 2013 के रोज 52 बेटियों के साथ किसी भी जाति या धर्म के बिना भेदभाव के हिंदू मुस्लिम बेटियों के पिता बनते हुए सिर्फ एक ही जन्म नहीं पर जन्मों जन्म के रिश्ते से बंधने का श्री महेश भाई का विनम्र प्रयास यानी संबंध भवो भवना। पिता की छत्रछाया खोने वाली बेटियों के पिता बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था जिसको गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। स्नेह की बुआई दिनांक 30 नवंबर 2014 सर्वधर्म और सर्व जाति की पिता विहीन 111 बेटियों का श्री महेश भाई द्वारा कर कंकु एवं कन्यादान से हुई भावनाओं की बुआई यानी लागनी नावावेतर। बेटियों की उपस्थिति में मेहंदी रस्म और संगीत संध्या का सुंदर आयोजन किया गया जिसमें बेटियों का एक साथ मेहंदी रचाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्जित हुआ। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत स्वच्छता एवं एहतियात से किए हुए इस आयोजन की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सराहना की। इंडियन ऑयल अवार्ड वो अपना माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अर्पण करूं। संवेदना एक बेटी की दिनांक 6 दिसंबर 2015 के रोज बेटियों की संवेदना को सदा समझने वाले श्री महेश भाई ने बिना किसी नात जात के भेदभाव के 151 बेटियों के जीवन को पितृत्व की संवेदना के सुरों से सजाया। सालों से चलते आ रहे बेटियों की शादी और कन्यादान का यह सिलसिला अविरत चलता ही रहेगा। हर साल नए नाम श्री महेश भाई की दीका के लिस्ट में जुड़ते ही जा रहे हैं। बेटी दत्तक योजना ऐसा नहीं कि श्री महेश भाई सिर्फ अपने घर आंगन ही ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके बेटियों को दत्तक लेते हैं। विविध समाजों में होने वाले समूह शादी में पिता की छत्रछाया खोने वाली बेटियों को भी दत्तक लेकर कन्यादान के साथ उनकी सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। गौ संवर्धन सेवा पूनागाम सूरत समूह शादी में पिता विहीन 22 बेटियों को दत्तक लिया। कागवड़ राजकोट समूह शादी में 35 बेटियों का कन्यादान किया। आर्य समाज और अन्य समाजों की शादी में 25 बेटियों का कन्यादान करके उन्हें ससुराल विदा किया। देवांगी अन्न क्षेत्र मानव सेवा समूह शादी में 9 बेटियों को दत्तक लेकर कन्यादान किया। सौराष्ट्र पटेल समूह शादी में 11 बेटियों का कन्यादान किया। गुजरात विकास समिति लग्न समारोह में 9 बेटियों का कन्यादान करके उन्हें ससुराल विदा किया। बेटी का जियाना शादी के बाद बेटी को सबसे बड़ी चिंता होती है मायके से मिलने वाले उपहार यानी जियाना की। पिता का न होना और घर की खराब आर्थिक परिस्थिति यह विचार मात्र एक बेटी के लिए पीड़ादायी होता है पर श्री महेश भाई जैसे पालक पिता के होते हुए बेटी को इस बात की चिंता क्यों हो। बेटियों को प्रसूति के समय सभी तरह की गायनिक चिकित्सा बिना किसी मूल्य के प्राप्त हो इस हेतु मेडिकल सहायता का प्रबंध किया गया है।
यही नहीं, प्रसूति के बाद जन्म लेने वाले बच्चों को 5वें साल तक मुफ्त मेडिकल सहाय इन बेटियों को जीवन में पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने देती। यात्रा, दत्तक ली हुई इन बेटियों के आध्यात्मिकता का सिंचन हो, माँ और सास में पारिवारिक भावना का विकास हो, इस आशय के साथ बेटी माँ और सास के त्रिवेणी संगम समान यात्रा यानी श्री महेश भाई द्वारा करवाई जाने वाली यात्रा। स्पेशल लग्जरी बस द्वारा पवित्र तीर्थधामों की इस यात्रा में रहने और खाने पीने के साथ डॉक्टरों द्वारा मेडिकल सहाय भी उपलब्ध करवाई जाती है। यात्रा में श्री महेश भाई की उपस्थिति सबके दिल में स्नेह और आत्मीयता की भावना जगाती है। दिकरी विकास शिविर, बेटियों के सांसारिक जीवन को सुगंधित बनाने का प्रयत्न। पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंभरा जी के सानिध्य में वृंदावन धाम में 12 दिन बेटियों की सुरक्षा हेतु योग, फायरिंग, निशानेबाजी, घुड़सवारी एवं कराटे जैसी तालीम और सांसारिक जीवन में उपयोगी जीवन लक्ष्य मार्गदर्शन देकर बेटियों की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। शिविर में आने जाने की और रहने की सभी व्यवस्था श्री महेश भाई द्वारा की जाती है। संकल्पों की सिद्धि, सवाणी को इंस्पिरेशनल लीडर ऑफ न्यू इंडिया का अवार्ड लास वेगास के मेयर के हाथों प्रदान कर सम्मानित किया। दिल्ली की इंडियन इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय गौरव अवार्ड और भारत ज्योति अवार्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस अवेयरनेस द्वारा गोल्ड मेडल जैसे कई अवार्ड ने श्री महेश भाई को समाज में और विश्व में गौरव दिलाया है। पीपी सवाणी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पैसों के अभाव से समाज की कोई भी व्यक्ति चिकित्सा से वंचित न होनी चाहिए, ऐसे विचारों से श्री महेश भाई, श्री रमेश भाई और श्री राजेश भाई ने उदार दिल से भूमिदान दिया और सर्जन हुआ पीपी सवाणी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। आज वराछावासी एवं समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए कम खर्च में आधुनिक चिकित्सा प्रदान करती यह अस्पताल सिर्फ एक अस्पताल न होते हुए आरोग्य का मंदिर बन गई है। शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान, समाज में छोटे से छोटे इंसान के संतान भी पढ़ाई से वंचित न रह जाए, इस हेतु शिक्षण संकुल और अंतरराष्ट्रीय कक्षा की शिक्षा प्राप्त इच्छुक विद्यार्थियों के लिए रहने एवं भोजन की सुविधा, विशाल मैदान और आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्कूल का निर्माण किया गया है। आज 45,000 से भी ज्यादा बच्चे पीपी सवाणी ग्रुप के अलग अलग संकुल में विद्या प्राप्त कर रहे हैं। दैनिक पत्र न्यूज चैनल श्री महेश भाई के समाज लक्षी, क्रांतिकारी और सेवा की अब महायज्ञ में प्रसिद्ध दैनिक पत्रों, न्यूज चैनलों एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनको दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। 51 young couples tied the knot at a mass wedding in Surat. The marriage was hosted by Gujarat-based diamond trader Mahesh Sawani. पिता बनकर 1001 बेटियों की जिम्मेवारी उठाने का संकल्प करने वाले श्री महेश भाई लोक कल्याण की ज्योत को प्रज्वलित रखते हुए सुशिक्षित समाज की रचना और समाज को तंदुरुस्त रखने का प्रयास कर रहे हैं।
मैं के की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार।